सात तारीख तक का पीसी दिया है उनको, उतना ही हुआ है। हम लोग ऑफेंसेस जो लगाए हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस है, उनको सात तारीख के बाद बेल हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए उनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए सात तारीख तक का पीसी दिया है। सिंडिकेट का आरोप भी लगा? नहीं, सिंडिकेट और इसका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ उसके साथ आर्यन खान उसके साथ वो अक्यूज्ड है, इसके लिए वो लोग सिर्फ सिंडिकेट बता रहे हैं, ऐसा कोई भी ऑफेंस उसके अगेंस्ट है नहीं, उसके मांग पे भी कोई माल नहीं मिला है। व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया नहीं, बराबर है, नहीं जी बराबर है, व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है, लेकिन व्हाट्सएप चैट से भी ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होता है कि जिसमें उसका कोई संबंध है सिंडिकेट से या ऐसा जी नहीं, पेडलर्स वो सिर्फ आरोप है, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उनके हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसके फ्रेम किया गया आपको? जी फ्रेम किया गया है। किसके जो कस्टडी दी गई है 11 तक की कस्टडी मांगी, 7 तारीख तक की कस्टडी दी थी, 11 तारीख तक की कस्टडी मांगी थी, लेकिन सिर्फ 7 तारीख तक की कस्टडी दी गई है, उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, इसके लिए ही जज ने बाकी लोगों से कुछ कन्फ्रंट करने के लिए 7 तारीख तक का दिया था। और जबकि सेक्शन 8C के तहत कंजम्पशन का आरोप भी लगाया कि कंजम्पशन का आरोप लगाया है, लेकिन कंजम्पशन का कोई एविडेंस ही नहीं है, वो लोग ना तो शिप बोर्ड किए थे ना ही शिप के तरफ जा रहे थे, वो लोग को शिप के जाने से पहले ही उन लोग को पकड़ा था, तो कंजम्पशन का भी कोई आरोप जो है वो सिद्ध होता ही नहीं, लेकिन प्राइमा फेसी इट इज नॉट। लेकिन आपने कोर्ट को ये भी बताया था कि आपके व्हाट्सएप चार्ट जो कि डाउनलोड किए गए हैं उसमें कुछ ये मिल पाया है, मतलब कनेक्शन जो है? नहीं जी, कोई भी कनेक्शन नहीं है, व्हाट्सएप चैट में भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी ना तो रिकवरी है ना ही ये है, व्हाट्सएप चैट्स का भी कोई संबंध नहीं है। तो व्हाट्सएप चैट के ही पर आधारित जो है, कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधारित पे नहीं दिया था, कोर्ट ने सिर्फ इसी बेसिस पे दिया था कि बाकी के जो आरोपी नए वाले पकड़े गए हैं उनसे कन्फ्रंट करने के लिए सिर्फ दिया गया है, बाकी उनके पास से जो भी मिला है वो वही खत्म हुआ था कल, जो कल खत्म हुआ था उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी अभी तक एक भी एविडेंस नहीं मिला है, सिर्फ कन्फ्रंट करने के लिए उन लोग को कस्टडी दी गई। सुनवाई से पहले आर्यन खान से बात करने की कोर्ट ने आपको परमिशन दी थी, उस दौरान क्या बात हुई थी? जी वो तो मेरे पहले तो मैं अरबाज के तरफ से हूँ, और दूसरी बात जी मैं तो अरबाज के तरफ से हूँ, और दूसरी बात ये है कि मेरे और क्लाइंट के बीच में क्या बात हुई थी ये मैं आपसे नहीं बात कर सकता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इट इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आई विल नॉट बी एबल टू शेयर दैट विद यू। ओके थैंक यू। व्हाट वर द आर्गुमेंट्स टुडे एंड हाउ डू यू फील नाउ दैट ऑल ऑफ देम हैव बीन given custody additional for 3 days, if I'm not mistaken? Yes, the custody has been given additional for 3 days. However, the arguments were based only on the prima facie evidence which has been collected. We first of all do not have the copies of the panchanama which the prosecution always makes, and therefore we could not make submissions on merits. However, the fact that nothing has been recovered, and secondly, they were not even invited by the organizers, neither have they boarded the ship. That itself shows that there is no connection between me and the alleged syndicate which the prosecution is claiming. Okay. So that were the basic points of argument, apart from the fact that they have been charged for consumption. Even if that is true, the only punishment, maximum punishment that can be given is up to 1 year. Right, therefore there is no case made out for the further custody, apart from the fact that they have to investigate and they have to confront it with the other accused. That right. is the only reason. So why was further custody granted today? For confronting him with the other accused, the accused which have been arrested later, and with the organizers, nothing apart from that. You mentioned the fact that they didn't board the cruiser, that is fine. Correct. But the organizers didn't invite them, then why were they there? Yes, because they were invited by one of the friend who was invited, and that friend has not been arrested. But he has been arrested, he has been framed in the matter. That is all that I can see at the moment. थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए। एडवोकेट अद्वैत सामंत। अद्वैत अद्वैत एक मिनट में हो गया। आ जाओ सर।